व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक रिव्यू वीडियो। ये रिव्यू वीडियो आप सभी के लिए होने जा रही है बड़ी इंटरेस्टिंग। क्योंकि इंटरेस्टिंग मैं इसलिए बोल रहा हूं, आज मैं आपको देने जा रहा हूं फेशियल की नॉलेज। और ये फेशियल की नॉलेज होती क्या है, देखिए फेशियल की नॉलेज ये होती है, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम अपनी स्किन पे कौन सा फेशियल यूज कर सकते हैं और किस किस तरीके की फेशियल हम अपने फेस पे अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो इन चीजों के लिए आज मैं रिव्यू लेके आया हूं आप सभी के लिए। तो मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे ये न्यूट्रो ग्लो का एक फेशियल किट है और ये एक सिंगल टाइम वाला फेशियल किट है। ये सिंगल टाइम फेशियल किट, इसका बेनिफिट है कि एक बार में आपको करके बड़ा बेनिफिट होगा और बड़ा रीजनेबल इसका प्राइस है। प्राइस मैं आपको बाद में बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। तो देखिए इस फेशियल किट में 6 स्टेप आपको मिलेंगे और ये 6 के 6 स्टेप आपको करने हैं, बिल्कुल लाजमी है, तभी आपकी स्किन अच्छे से ग्लो होगी। तो चलते हैं हमारे रिव्यू की ओर। देखिए इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारे पास में ये 6 स्टेप्स मिले हैं। देखिए 3 इस साइड है 3 इस साइड है, ये हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप की बात हम कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप जो मेरे पास है, ये सबसे पहले हमारा क्लिंजर है, सेकेंड नंबर पे हमारा स्क्रब है, थर्ड नंबर पे हमारा जेल है। और अभी बात करते हैं दूसरे स्टेप्स की, 3 स्टेप्स हमारे जब क्लीन हो जाएंगे तो उसमें 4 नंबर पर हमारा क्रीम है। क्रीम के बाद में यही सीधा हमारा आता है मास्क और 6 नंबर जो हमारा ये है सीरम। ये 6 के 6 स्टेप आपको एकदम कंप्लीट तरीके से कर लेने हैं, इसको समझकर ही आपको करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखिए मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगा, फर्स्ट नंबर पर आपको लेना है क्लिंजर। क्लिंजर आप जब भी आप अपने फेस पे लगाते हैं अच्छे से पूरे फेस पे क्लिंजर को लगाइएगा और इसको 5 मिनट के लिए आपको ऊपर के स्टेप्स में धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्लॉक वाइज आपको फिंगर को चलाना है और 5 मिनट आपको क्लिंजिंग कर लेनी है। उसके बाद आप इसको कॉटन से या फिर कोई भी हैंकी आपके पास में रखा है उससे आप अच्छे से क्लीन कर दीजिएगा। सेकंड नंबर का जो हमारा ऑप्शन आता है, अभी सेकंड नंबर पे हमें करना है स्क्रब। स्क्रब हमारा ये काम करता है फेस पर कि जितना भी आपका डेड स्किन होता है उसको ये अच्छे से क्लीन करता है, डेड स्किन को निकालना है। और स्क्रब अगर बहुत ज्यादा आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको 5 मिनट के अंदर अंदर स्क्रब को फिनिश कर देना है, इससे ज्यादा आपको स्क्रब नहीं करना है। अच्छा देखिए अगर बहुत ज्यादा हार्ड स्किन है, आप अगर बॉयज हैं, आपका थोड़ा बाहर का काम है, आप बाहर मार्केट में बिजी रहते हैं तो आपको इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट ही करना है और इसको भी बहुत हल्के हाथ से ही करना है, ज्यादा इसको हार्ड नहीं करना है, ठीक है। स्क्रब हमारा जब अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा इसको भी हमें ऊपर की तरफ अच्छे से क्लिंजिंग करना है, बढ़िया करके क्लीन करके निकाल देना है, ठीक है। स्क्रब करने के बाद आपको अच्छे से फेस को धोना है जिससे कि एक भी स्टैक्स जो उसका छोटे छोटे दाने रहते हैं वो बिल्कुल भी आपके फेस पे ना रहे। स्क्रब वॉश हो जाने के बाद में थर्ड नंबर पर हमारा आता है जेल। देखिए अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो जेल हम सबसे पहले लगाएंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पर क्रीम का भी हम इसमें यूज करेंगे, क्रीम का भी यूज करना है, जेल का भी यूज करना है। बस समझना यह है कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ऑयली तो नहीं है या फिर बहुत ज्यादा ड्राई तो नहीं है या फिर कॉम्बिनेशन है, ना ही ऑयली है ना ही ड्राई है, बीच में आपकी स्किन अटकी हुई है। तो फेशियल को समझने का तरीका फिर सिर्फ यही है कि मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि इन फेशियल को कैसे आप यूज करते हैं। सारे ही फेशियल अच्छे होते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस ये कि सस्ता सुंदर टिकाऊ फेशियल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बनाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा। तो ठीक है अभी हमारा थर्ड स्टेप है हमारा जेल। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो 10 मिनट आपको क्लॉक वाइज जेल से भी मसाज करना है, ठीक है। जेल से मसाज होने के बाद में आपको तुरंत इसको क्लीन कर लेना है, अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है अपने फेस को। अभी जो हमारा फोर्थ नंबर का स्टेप है, हमारा फोर्थ नंबर का स्टेप हमारा आएगा क्रीम। क्रीम को भी आपको क्लॉक वाइज अच्छे से स्टेप देकर थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट देकर 10 मिनट क्रीम से 10 से 15 मिनट भी आप जा सकते हैं क्रीम के साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा सा हल्का सा सर्दी है मौसम में, तो आप 15 मिनट भी क्रीम से मसाज अपने फेस पर कर सकते हैं। तो ठीक है अभी फोर्थ नंबर का स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी आते हैं हम अपने 5 नंबर के स्टेप्स पर, क्योंकि 5 नंबर में इसलिए बोल रहा हूँ 3 से 4 स्टेप्स हमारे हो चुके हैं, ये स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, मैं इसको बैक कर देता हूँ। देखिए अभी हमारे 2 स्टेप्स रहते हैं, ये 2 स्टेप हमारे लास्ट वाले हैं। इसमें अभी हमें लगाना है पूरे फेस पर मास्क। मास्क लगाने से पहले आपको ख्याल रखना है, आपको आपके क्लाइंट के फेस पे जितना भी मतलब ये 4 स्टेप होने के बाद में अगर ब्लैकहेड वगैरह आपके नोज पे हैं या फेस पे कहीं पे भी हैं आपको पिन से अच्छे से निकाल लेना है, बिल्कुल क्लीन कर देना है क्योंकि आपका फेस बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट होने के बाद में आपके जो उसमें ब्लैकहेड वगैरह है अच्छे से निकल जाएंगे। तो अभी 5 नंबर पे हमें लगाना है अपने फेस पर मास्क। ये मास्क बिल्कुल आपको ब्राइटनेस देगा, अच्छी इसकी क्वालिटी है, ठीक है। आपको 20 से 25 मिनट आपको मास्क को लगाकर छोड़ देना है और मास्क जब आप लगा के छोड़ देंगे
तो आपको ख्याल रखना है कि मास्क को बिल्कुल लगाना है और आप थोड़ी देर लेट जाइएगा, लेट जाने के बाद में इसको मास्क को फिर आप 20 मिनट के बाद बिल्कुल क्लीन कर दीजिएगा। तो ठीक है, अभी फाइनल जो हमारा स्टेप है, हमारा फाइनल स्टेप रहता है ये वाला, इसको आप बिल्कुल गौर से देखिएगा। जब आप मास्क निकाल देंगे तो ये सीरम क्या करता है, सीरम आपकी स्किन को एकदम से शाइनी बनाता है, बहुत ज्यादा ग्लो करता है। तो 6 नंबर पे आपको यूज करना है फेस सीरम। ये सीरम आप लगाएंगे तो आपको बड़ा इससे बेनिफिट मिलेगा, आपकी स्किन एकदम से बिल्कुल चमकदार हो जाएगी, जितना भी आपकी लाइन इधर उधर जा रही है वो लाइनें सारी गायब हो जाएंगी। तो फाइनली अभी हमारा ये रिव्यू पूरा हो गया है, 6 स्टेप का हमारा फेशियल था, मैंने आपको पूरा अच्छे से दिखा दिया है वीडियो में। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप पीछे बैक करके भी देख सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा हमारे चैनल में, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।